वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ यार सब खैरियत से होंगे। तो बात करूँगा वेनिस के हवाले से। हाँ, वेनिस टेबल के हवाले से। अभी देखना, ये मेरा एक मैच लगाया है ओपोनेंट के साथ और ओपोनेंट का ब्रेक है यार। ये देखना, ये ब्रेक नहीं करेगा। देखना गुस्सा मुझे इस बात का, ये ब्रेक नहीं करने वाला। देखा, इसने ब्रेक नहीं किया। अब उसने ब्रेक नहीं किया, उसने क्यूब बॉल को डायरेक्ट पॉट कर दिया। अब अगर मैं अपना कैजुअल ब्रेक इस्तेमाल करूँगा और अगर मिसाल के तौर पर ब्लैक बॉल किसी पॉकेट में चली जाएगी, जो कि बड़ी आम बात है, तो वो उसको फ़ौरन विन मिल जाएगा। तो इसलिए मतलब मैं सही से ब्रेक भी नहीं अब कर सकता। तो यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये वेनिस है 150 मिलियन और हम इसको परचेज़ करते हैं। और एक ये बड़ी मुसीबत एक और ये कि बॉल जिसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। मैंने पर्पल सॉलिड के लिए कॉल किया था, लेकिन अब मुझे स्ट्राइप्स को सिलेक्ट पॉट करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है इसमें। तो ये एक बैंक शॉट लगानी पड़ी। और बात दरअसल गुस्सा है इस बात का ना, क्योंकि देखो ब्लैक बॉल को सारी सॉलिड्स ने घेर रखा है और मेरी बॉल जो सिलेक्ट हुई है वो हैं स्ट्राइप्स। तो यहाँ से बहुत मुश्किल है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है टेबल को विन करना हमारे लिए या मेरे लिए या किसी और के लिए भी। इस तरह मैच विन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये सब क्या हो रहा है वेनिस में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने तो अपना ब्रेक खुद छोड़ दिया ना। दरअसल हो क्या रहा है इस गेम में इस वक्त के अब ये क्या है भाई यार, ये देखो ना। अब इनका ना, एक तो ये लोग जो है इस तरह से चीटिंग भी करते हैं, ठीक है। ऊपर से इनका लक भी इनका साथ देता है, यानी इनकी किस्मत देखो। अब उसने सारी बॉल्स क्लियर कर ली और वो डेफिनेटली जीत जाएगा, डेफिनेटली, क्योंकि उसने चीटिंग से स्टार्ट किया ना। देखो अगर हम फेयर खेलेंगे, अगर मैं भी उसी की तरह करता, मैं किसी और बॉल को जो है ब्लैक के पास छोड़ देता, ये ब्लैक बॉल को रेल के साथ जोड़ देता, तो वो मेरी चीटिंग हो जाती। लेकिन मैंने आपको, आप लोगों को अच्छे से ही पता होगा, शुरू से ही मेरी वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हो, आप सबको पता होगा कि मैं चीटिंग के हक में नहीं हूँ, ठीक है। तो यार ये चीट करके खेलना, फिर क्या फ़ायदा गेम खेलने का, तुम्हारी काबिलियत कहाँ नज़र आएगी अगर तुम चीटिंग करोगे। अब ये बंदा अच्छा भला लेवल है इसका और ऊपर से ये चीटिंग कर रहा है, ये देखो ना इस तरह जीतना। और अब दांत भी निकाल रहा है खुशी के मारे। भाई चीटिंग करके जीतोगे तो फिर क्या फ़ायदा, छोड़ो यार, मैं एक और मैच लगा तो इस बार देखना, मैं तुम आप लोगों को दिखा दो इस टेबल पे हैक चल कैसे रहा है। ये देखो इस बंदे का लेवल देखो, ग्रीन स्टार है ये, मेरे ख्याल में एमरल्ड लीग है। और इसका लेवल देखो 174 यार, ये कोई तरीका है क्या। चलो इस बार मेरा ब्रेक आया, मैं ब्रेक करता हूँ, एक मिनट मैं अपना नॉर्मल ब्रेक करता हूँ, जिस तरह मतलब मैं हर बार मैं यही ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ। तो ब्रेक करता फिर देखना ये होगा क्या। दरअसल ब्रेक कंप्लीट हो गया, अब देखना ये मुसीबत। और मेरा नेट भी ठीक है, ये देखो 4G चल रहा है ऊपर। भाई 4G से अब तेज कौन सा नेट होगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में यही चीज दिखाई थी तो एक बंदे ने कमेंट में बोला कि कनेक्शन स्लो तुम्हारा। भाई साहब कनेक्शन स्लो नहीं है, ये गेम में हैक चल रहा है। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ ये चल रहा है यार। मिनी क्लिप वाले भी पता नहीं क्या सोए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही। मतलब मैं नहीं, मेरी छोड़ो, और भी कितने सारे प्लेयर्स हैं गेम के बीच में बाय करते हैं, ठीक है, मंथली बाय भी कर लेते हैं कुछ लोग, और ऑफर्स बाय करते हैं, महंगी महंगी क्यूज़ बाय करते हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर मेरी गेम में ऑफर्स जो नज़र आती है वो हज़ारों, दो दो तीन तीन चार चार हज़ार तक की स्नाइपर क्यू की बात कर रहा हूँ, 4000 की वो प्राइस उसकी होती है। कुछ लोग वो भी बाय कर लेते हैं, मतलब हम मिनी क्लिप वालों को इतना कुछ दे देते हैं, ठीक है, और वो लोग जो है मतलब हमें एक फेयर मतलब खेलने के लिए टेबल भी नहीं दे सकते। टेबल भी वो जिसे हम लोग खुद बाय करते हैं खेलने के लिए, और उसमें ये सब चल रहा है यार। ये क्या हो रहा है यार, कसम से ये कोई मजाक चल रहा है क्या यार हमारी फीलिंग्स के साथ। ओके, तो इस बंदे के कर्म फूटे इसी पर यार। दरअसल बात ये है कि मेरा तो भाई लोग दिल भर गया है, ठीक है, इस गेम से। मेरा अकाउंट आप लोग देखो, मैं आपको शो करा रहा हूँ इस वक्त, मेरा लेवल आप लोग देख सकते हो, मेरे कॉइंस भी देख सकते हो सकता है कि शायद मैं दरअसल ना आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं अपना अकाउंट सेल कर रहा हूँ। और हाँ, ये मजाक नहीं है, ठीक है, मेरे कॉइन्स और लेवल आप लोग देख सकते हो। मैंने वेनिस मेंबरशिप लगाई हुई है, अकाउंट डायमंड में भी है, VIP की बात कर रहा हूँ। और क्यूज़ भी आप लोग देख सकते हो, मेरे पास आर्केंजल है भाई साहब, आर्केंजल लेवल 3 पर जाने वाली है, सिर्फ एक पीस और वो फायर स्टॉर्म। देखो सारी क्यूज़ ऑलमोस्ट कोई भी क्यू जो है ना मतलब कम पर नहीं पड़ी हुई लेवल 1 पर, सब जो है ना अपग्रेड हुई हुई है 3 और 4 और 5 तक। आप सारी क्यूज़ देख सकते हो, सिर्फ मेरे पास एक क्यू नहीं है, आप सब जानते हो मेरे पास आर्कोन क्यू नहीं है, बाकी उसके अलावा हर क्यूज़ है। और ब्लैक होल भी आप लोग देख लो,
अपग्रेड हुई हुई है और सारी क्यूज़ बहुत सारी अपग्रेड हुई हुई हैं और उनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेजेंडरीज की तरह स्टैट्स हैं उसके। मेरे पास एक क्यू नहीं है ये आर्कोन, इसके भी सिर्फ दो पीस रहते हैं। और विक्ट्री क्यू में भी आई थिंक मेरे सारी क्यूज़ ही हैं, एक या दो ही नहीं है शायद। मेरे पास गैलेक्सी क्यू नहीं है और एक पता नहीं, हाँ ये दूसरी लाइटनिंग क्यू, इनके भी दो दो पीस रहते हैं। इसके अलावा मेरे पास सारी रिंग्स भी वगैरह भी हैं। और हाँ ये मिनी क्लिप वालों को मैंने मेल भी किया था, आप लोग मेल चेक करो यार, मिनी क्लिप वालों ने रिप्लाई क्या दिया मुझे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अगर किसी ओपोनेंट की वजह से हमारा गेम में कोई नुकसान हो जाता है तो वो इसकी कोई भरपाई नहीं करेंगे। यार ये क्या तरीके है तुम लोग, क्या कसम से मुझे तो गुस्सा आया सीरियसली। इसीलिए मैंने कहा कि यार चलो ये मैं गेम ही नहीं खेलने वाला। पहली चीज़ कि मेरा दिल भर गया भाई साहब इस गेम से, बहुत से लोगों के साथ धोखा हो चुका है इस गेम की वजह से। अभी रिसेंटली मुझे पता चला एक बंदे का जो है एक हाई अकाउंट 400 बिलियन कॉइन्स उस अकाउंट में, ठीक है, और उस बंदे ने कोई ट्रिक वगैरह भी कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया, उसकी विनिंग थाउजेंड्स में, थाउजेंड बिलियंस में। उसका VIP टायर ब्लैक डायमंड में था, उसके पास सारी लेजेंडरीज मैक्स थी और उसका अकाउंट उन्होंने बैन कर दिया। यार ये सब क्या चल रहा है यार, अगर तुम लोगों ने हैकर्स को बैन करना ही है तो कम से कम उनको बैन करो ना जो मतलब मॉड यूज़ कर रहे हैं। आप लोग जो है फेयर खेलने वाले को भी बैन कर रहे हो यार, कोई पता नहीं ये लोग कसम से। भाई मैं तो अपना अकाउंट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप में से किसी को अकाउंट चाहिए तो मुझे मेरे ये यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यही बताने के लिए दोस्तों, लेकिन हाँ मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। एडवर्ड पूल की शायद ये लास्ट वीडियो हो, लेकिन मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा गेमिंग के ये वाले से। चैनल के साथ बने रहिए, बने रहना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।